नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमतन डेगावत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाइपरटेंशन क्या है? ये हमारी जो धमनियाँ हैं उनमें जो प्रेशर है उसको जब हम मेजर करते हैं बीपी मशीन के द्वारा, उसको जब वो बढ़ा हुआ मिलता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मली जो हमारा बीपी है अगर 140 और 90 से ज़्यादा है तो हमें हाइपरटेंशन है, लेकिन अगर हमारी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो हमारा बीपी अगर 150 और 90 से ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन कहेंगे। नॉर्मली बीपी बढ़ने के कई कारण होते हैं, तो नई जनरेशन में जैसे कि तंबाकू का सेवन, तंबाकू किसी भी तरीके से, चाहे सिगरेट के द्वारा, चाहे गुटखे के द्वारा और चाहे किसी भी हुक्के के द्वारा, अगर हम तंबाकू का सेवन ज़्यादा करेंगे तो हमारा बीपी ज़्यादा बढ़ा रहेगा। दूसरा है स्ट्रेस, जो कि आज की नई जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस आजकल नौकरी नहीं मिलने का हो सकता है, घर का स्ट्रेस हो सकता है, या कई बार जॉब का स्ट्रेस भी होता है। तो अगर स्ट्रेस भी रहेगा, स्मोकिंग करेंगे तो हमारा बीपी जो बढ़ता रह सकता है। तीसरा जो कारण है खाने पीने से, आजकल हम लोग जो है बाहर की खाने जो है ना, बाहर की ये फ्राइड चीज़ें हैं उनका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, उससे भी कारण है कि बीपी बढ़ने का। हम लोग फ्रूट्स का और सैलेड्स का सेवन कम करते हैं, ये कारण है हमारा बीपी बढ़ने का। तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारा बीपी ना बढ़े और हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें सबसे पहले है कि धूम्रपान को छोड़ना पड़ेगा। खाने पीने में आप फ्रूट्स और सलाद को ज़्यादा लीजिए, बाहर का खाना मत खाइए। अगर हमें शुगर है तो हम उस शुगर को कंट्रोल करें, और स्ट्रेस को, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो उसको हम दूर रखेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा और हमें आगे कोई बीमारी नहीं होगी। धन्यवाद।